हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राउन जूल के प्रेडिक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, ये होने वाला है हमारा फाइनल प्रेडिक्शंस ऑफ क्राउन जूल पीएलई। जैसे कि आपको पता है कि क्राउन जूल जो पीएलई है वो आज रात 10:30 बजे होने वाला है हमारे यहाँ। और इस शो में काफी सारे धातु मैचेस हमें देखने मिलने वाले हैं। तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट मैच होने वाली है फॉर यूएस चैंपियनशिप बिटवीन एलए नाइट वर्सेस एंड्राडे वर्सेस कार्मेलो हेस। एंड्राडे और कार्मेलो हेस कंप्लीट करने वाले थे उनके बेस्ट ऑफ 7 सीरीज वाले मैचेस और यूएस टाइटल स्टेक पे था। यहाँ पर एलए नाइट ने काफी बकवास काम किया एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी, उसकी वजह से जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने पनिश किया एलए नाइट को कि तुम अपना टाइटल जो है वो ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड करोगे अगेंस्ट कार्मेलो हेस एंड एंड्राडे। तो दोस्तों, यहाँ पर टाइटल चेंज होते हुए हमें दिख सकता है और मुझे ये लग रहा है और बेटिंग ऑड्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे न्यू चैंपियन बनेंगे एंड्राडे। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर एंड योर न्यू यूएस चैंपियन एंड्राडे। नेक्स्ट मैच इज फॉर WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स बिटवीन बियांका बिलेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर निवेन वर्सेस मेटाफोर वर्सेस डैमेज कंट्रोल। ये मैच तो काफी अच्छी होने वाली है और जैसे कि आपको पता है कि जेड कारगिल एंड बियांका बिलेयर का जो मोमेंटम है वो काफी अच्छी तरीके से चल रहा है और इसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि इतने जल्दी वो अपनी चैंपियनशिप हारेंगी। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल यू हैव WWE विमेंस टैग टीम चैंपियंस बियांका बिलेयर एंड जेड कारगिल। नेक्स्ट मैच इज फॉर WWE विमेंस क्राउन जूल चैंपियनशिप बिटवीन नाया जैक्स एंड लिव मॉर्गन। अब दोस्तों, यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाली है और टिफनी जो है वो अपना ब्रीफकेस कैश इन कर सकती है यहाँ पर। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ट्रिपल एच अलाउ करते हैं टिफनी को अपना ब्रीफकेस कैश इन करने के लिए या फिर नहीं। मैच के विनर की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर जो है वो यहाँ पर टाई हो चुके हैं बिटवीन नाया जैक्स एंड लिव मॉर्गन, बट मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर लिव मॉर्गन विक्ट्री ले लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर लिव मॉर्गन। नेक्स्ट मैच इज सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। जैसे कि हमने देखा कि सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड के बीच में हमने काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन देखा है। ये लोग दोनों एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे हैं और अभी स्कोर सेटल करने की बारी है क्राउन जूल पीएलई में। तो यहाँ पर हमें इनके बीच में एक धांसू मुकाबला देखने मिल सकता है और अभी जिस तरीके से ब्रॉन्सन रीड को पुश किया जा रहा है बाय ट्रिपल एच, तो यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड जो है वो जीत सकता है ये मैच। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर ब्रॉन्सन रीड। नेक्स्ट मैच इज अ सिंगल्स मैच बिटवीन रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस। दोस्तों, जिस तरीके से ये मैच सेटअप हुआ था वो काफी फनी था और मैं तो इसको सीरियसली लेता ही नहीं हूँ एंड आई एम श्योर आप भी होंगे। ट्रिपल एच ने ऐसा सिनेरियो दिखाया केविन ओवेंस को लेजिट दिखाने के लिए कि रैंडी ऑर्टन को वो डेंजर में नहीं डालना चाहते उनके एज की वजह से और केविन ओवेंस कितने खतरनाक है एज इफ इज ब्रॉक लेसनर और समथिंग, वो बस मिस्टर KFC है और मिस्टर मैकडोनल्ड से और कुछ नहीं है। एनीवेज दोस्तों, बात करें इस मैच की तो रैंडी ऑर्टन काफी बुरी तरीके से पनिश करने वाले हैं इस केविन ओवेंस को। और बात करें कि आखिर कौन जीतेगा इस मैच को, तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर बात है कि वो केविन ओवेंस ट्रिपल एच का फेवरेट है, तो यहाँ पर भी केविन ओवेंस की विक्ट्री हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर केविन ओवेंस। नेक्स्ट मैच इज फॉर WWE क्राउन जूल चैंपियनशिप मैच और ये होगी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर वर्सेस अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के बीच। अब दोस्तों, इनकी मैच जो है वो काफी अच्छी होगी, दोनों ही चैंपियंस हैं, दोनों को ही स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे ट्रिपल एच, बट यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट हमें देखने मिल सकता है और वो ट्विस्ट होगा गोल्डबर्ग का। हालांकि काफी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि गोल्डबर्ग मौजूद नहीं होंगे क्राउन जूल पे, बट ट्रिपल एच लास्ट मोमेंट पे कुछ भी कर सकता है और बुला सकता है गोल्डबर्ग को और गोल्डबर्ग कॉस करा सकता है गुंथर को उसका चैंपियनशिप और गोल्डबर्ग कॉस करा सकते हैं गुंथर को WWE क्राउन जूल चैंपियनशिप। यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है कि गोल्डबर्ग स्पीयर दे देंगे गुंथर को और कोडी रोड्स इसका फायदा उठाकर ये विक्ट्री ले लेंगे। पर दोस्तों, दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर गोल्डबर्ग नहीं आते हैं क्राउन जूल में तो थिंग्स जो है वो गुंथर के लिए काफी आसान हो जाएंगे
क्योंकि यहाँ पर जीतने के चांसेस उनके ही ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर गोल्डबर्ग नहीं आते तो गंथर जीतेंगे, अगर गोल्डबर्ग आते हैं तो गंथर का जीतने का चांस कम हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर गंथर एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ओरिजिनल ब्लड लाइन वर्सेस द ब्लड लाइन। अब दोस्तों इस मैच में हमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिल सकते हैं। बात करें द ओरिजिनल ब्लड लाइन की, दैट इज रोमन रेंस के ब्लड लाइन की, तो यहाँ पर जे उसो एंड रोमन रेंस सेम पेज पर नहीं है। जिस तरीके से रोमन रेंस ने बर्ताव किया था जे उसो के साथ पास्ट में, जे उसो वो भूले नहीं है। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं रोमन रेंस के ब्लड लाइन टीम में, और इसी का फायदा उठा सकते हैं सोलो सिकोआ और उसकी टीम। और जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो होने वाला है इस शो में, वो होगा द रॉक का। जैसे कि आपको पता है कि बैड ब्लड पीएलई में रॉक ने शो अप किया था, तो वो लग रहा था कि वो रोमन रेंस से काफी गुस्सा है। और अगर वो गुस्सा है और अगर WWE को रोमन रेंस वर्सेस द रॉक की मैच सेटअप करनी है आने वाले टाइम में, तो यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है कि रॉक आएंगे क्राउन जूल में और अटैक करेंगे रोमन रेंस को और एक बड़ा स्टेटमेंट बनाकर वहां से चले जाएंगे और उसी का फायदा उठाएंगे सोलो सिकोआ एंड गैंग और ये मैच जीत जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो रोमन रेंस की ब्लड लाइन है उनके जीतने का चांसेस कम लग रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि WWE किसे जिताती है और क्या एंगल हमें देखने मिलता है इस मैच में। क्या रॉक आते हैं और अटैक करेंगे रोमन रेंस को, या फिर रॉक नहीं आएंगे और उनका एंगल फ्यूचर के लिए सेटअप किया है। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर द न्यू ब्लड लाइन दैट इज सोलो सिकोआ'स ब्लड लाइन। सो गाइस दिस वाज आवर प्रेडिक्शंस फॉर क्राउन जूल PLE। ये पेपरव्यू काफी ढांसू होगा, तो आप सभी स्टे ट्यून रहिए एंड एक्साइटेड रहिए क्राउन जूल के लिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आप कितना एक्साइटेड है क्राउन जूल के लिए, एंड सेकंड क्या आप देखना चाहेंगे गोल्डबर्ग एंड रॉक का रिटर्न इस ढांसू PLE में, एंड थर्ड आपको क्या लगता है रोमन रेंस की ब्लड लाइन जीतेगी या फिर सोलो सिकोआ की। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।